this road, like last time this road almost took my life, and yeah, I'm back on this road, but Gentlemen, boys and girls, this is Shashank and welcome back to my channel जिसका नाम है SM Blogs and today is 12th of January 2022 actually में देख रहा हूँ कितना लंबा गैप हुआ है। गैप में आराम से जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के मैं आपको समझाऊँगा। सो अभी निकलते हैं फटाफट से। सुबह के बज गए भाई साहब 5:25 और हाँ सर्दी का मौसम हो रहा है तो फटाफट से ये पहनते हैं और निकलते हैं। लेट्स गो। अलीगंज आज तो भैया पोपट हो गया अपना यार। मैं एक्चुअली में जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा और सीन ये हो गया कि सुबह 7:30 बजे यहाँ से पहले जाती थी बस डायरेक्टली परी चौक के लिए, जो कि बंद हो गई, मुझे पता नहीं था और मैं उसी के चक्कर में आया था। अब मेरा पोपट हो गया। तो अब देखो कोई बस आ जाए दिल्ली वाली, उससे निकलेंगे और दादरी जा कर के उतरेंगे, ऐसा कुछ है प्लान। और वहाँ चल कर के एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जो काफ़ी ब्लॉग्स पहले आपको एक और सरप्राइज़ दिया था, उससे रिलेटेड है। जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, मैं पहुंच चुका हूं। देखो भैया गवाना टोल प्लाजा, जस्ट निकला हूं। आई गेस 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट भी नहीं, 2 मिनट हुए हैं यार गवाना टोल प्लाजा निकले हुए। और अभी बस रुकी हुई है ब्रेक के लिए, यहाँ पर सब लोग खाएंगे पिएंगे, आधे घंटे के लिए बस रुकेगी, जो खाने पीने के लिए जो बस रुकती है। दिस रोड, लाइक लास्ट टाइम दिस रोड ऑलमोस्ट टुक माई लाइफ, एंड या आई एम बैक ऑन दिस रोड बट ऑन बस नॉट ऑन बाइक। हाँ बाकी मुझे पता है मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला पूरे उसमें, क्योंकि पहली चीज़ माइक के लिए मेरे पास ईयरफोन नहीं थे, दूसरी चीज़ एटा में रुका था बट यार वहाँ पे ना इतना ज़्यादा हौच पौच, इतनी सारी चीज़ें थी कि मैंने कर नहीं पाया ब्लॉग, टाइम नहीं मिला और अभी कर रहा हूँ। तो अभी चलो निकलते हैं, मतलब निकलना क्या, अभी रुकी है बस, तो आधे घंटे के बाद अभी कुछ खा पी के फिर बस निकलेगी और पहुँच के फिर हम अच्छे से देखेंगे कुछ यार खाएँगे। शोर बहुत है, ईयरफोन है नहीं। I am here again, back again. Yes, beta 1। अभी आगे चलो, थोड़ा सा और सरप्राइज है। टू दिस व्यू मजबूरी में आए हैं, बताएंगे तुमको, एक्सप्लेन करेंगे जी भैया। तो आ गए हैं वापस उसी रूम में जिस रूम को मैंने छोड़ा था कुछ ब्लॉग्स पहले। तो कुछ ऐसा सीन है कि यार देखो मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ और मैं टेंगू वगैरह में हुआ, तो मतलब बेसिकली ये था कि मेरा 3 महीने पूरा चला गया बीमारी में, हॉस्पिटल में पूरा चला गया, जिसकी वजह से मेरा जो पढ़ाई लिखाई से लेकर के जितना जॉब वगैरह जो भी सिस्टम था सब खत्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या है कि अभी जो है ना दोबारा से स्टेबलाइज करना पड़ेगा खुद को, तो इसलिए PG में आया हूँ अभी के लिए। क्या अभी के लिए मैंने 1 महीने के लिए PG लिया है, ठीक है, और मैं कंटिन्यू करने का उम्मीद है 90%, अगर फ्लैट पे या फिर कहीं जॉब वॉब ना मिली, ऐसा कुछ सिस्टम ना हो पाया, मतलब कि कहीं बाहर जॉब के लिए जाना पड़ा एंड ऑल, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आराम से यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखो मेरी कोचिंग भी कल से स्टार्ट करूँगा मैं, मेरी कोचिंग जावा एंड ऑल सबकी, और जॉब वगैरह भी देखना स्टार्ट करेंगे। और बताइए ये PG मुझे गुट्टू गो वाला सीन रहता है कि मतलब कहीं कुछ हो ना हो, ये वाला अपना अवेलेबल है। तो मैं याद है इसके अंदर सारा का सारा मेरा सामान रखा हुआ था अलमीरा के अंदर। तो अभी जो है सेटअप क्या करना है, देखो 2 बेड है। अच्छा हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो लोग पहले रहते थे जब मैं छोड़ के गया था, जिस टाइम पे मैंने छोड़ा था उस टाइम पे वो लोग आए थे और आज मैं आया हूँ, तो आज ही इन लोगों ने शाम को छोड़ा है PG। सो यस इट्स गुड टू गो स्टफ। यहाँ पर पूरा ये वाला बेड अपने लिए हो गया, मतलब खाली, उधर अपना आराम से लेटने के लिए पूरा व्यवस्था बना लिया। थोड़ा धीरे धीरे अपना जो है सेटअप करेंगे। सो यस ये सरप्राइज था। और बाकी का थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस एंड ऑल्सो thank you all for your prayers and for your good wishes, well wishes for me in my hard time. So yeah, I hope कि ऐसा hard time किसी की life में ना आए, कम लोगों को देखना पड़े। So yes, bye.